चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा, बट आज सौरभ कैमरा के पीछे नहीं है, आज है बरखा जो कि शूट कर रही है। एंड हम घूम रहे हैं क्रोएशिया, बरखा, रौनक और सौरभ और मेघा, हम चारों। और हम हैं आज इस फार आइलैंड में, और उसके हम ये येलसा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए आप ढंग से देख नहीं सकते हैं। सो हम हैं इस आइलैंड पे, और कल हमने किया था बोट टूर जिसमें हम बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस को देखने गए थे, और हम आज जा रहे हैं एक और आइलैंड, एंड दैट आइलैंड इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। वो आइलैंड कैसा है और क्या अमेजिंग है वो आपको देखना है, तो देखते रहिए ये वीडियो। सो नाउ लेट्स गो। सो वी आर इन बोट अगेन, और इस बार बोट छोटा है बट अच्छा है। गए हैं हम आइलैंड जिसका नाम मैंने लिख दिया है, और हमारा जो बोट था वो उधर हमको छोड़ दिया, एंड नाउ वी हैव टू एक्सप्लोर दिस आइलैंड। और जैसे हम बता ही रहे हैं कि हम आए हैं ऑटम सीजन में, इसलिए दिस आइलैंड इज़ आल्सो ऑल फॉर आवरसेल्फ्स ओनली। और पूरा ऐसे वॉक करते हुए विल गो टू दैट साइड, और फिर दिखाएंगे एक ऐसा बीच विच यू विल बी लाइक ओ वाओ मेगा, व्हाट एन अमेजिंग थिंग हैव यू शोन। ऐसा लगता तो है बट क्या ऐसा ही होगा, लेट्स वॉच। तो पहुंच गए हम लोग बोल बीच, लिख भी दिया है मैंने, और ये है बार करके आइलैंड में। और मैंने आपको बहुत सारे ब्लैक सैंड बीच और ब्लैक पेबल बीच दिखाए, बट ये जो बीच है ये पेबल बीच है, और यहाँ पर है वाइट कलर के पेबल्स। सो आई विल शो यू समथिंग, सम पेबल्स। तो देखिए ये पेबल्स, सी दिस वन, ये तो बिल्कुल ही वाइट है, एंड बाकी भी ऑलमोस्ट वाइट है, थोड़ा सा ब्राउन हो गए बिकॉज ऑफ द मड। सी दिस क्यूट लिटिल वन, दिस इज ऑल्सो वाइट। So this is a white pebble beach in Croatia. अब बात करते हैं यहाँ के पानी की। So पानी is crystal clear, like इतना crystal clear है कि आप नीचे का सब कुछ देख सकते हैं। वैसे जो एक चीज़ देखी मैंने क्रोएशिया में, यहाँ पर सभी चीज़ का जो पानी है, जो वो पिल्विश लेक में देखा था वो भी crystal clear था, यहाँ भी full crystal clear है पानी। ये जो सी है इसे एड्रियाटिक सी बोलते हैं, और आप कलर्स देख रहे हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, लाइक यहाँ बिल्कुल लाइट शेड है, फिर थोड़ा सा ब्लू का डार्क शेड है, एंड देन कम्प्लीटली डार्क ब्लू है। सो देयर सो मेनी डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, एंड पानी तो मैं बता ही चुकी हूँ कि कितना क्लियर है, यू सी एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। और इस बीच को बोलते हैं गोल्डन हॉर्न बीच भी। क्यों बोलते हैं गोल्डन हॉर्न, उसके लिए आपको देखने होंगे ड्रोन शॉट्स। सो पहले आप ड्रोन शॉट्स देखिए, फिर मैं बताती हूँ कि इसे गोल्डन हॉर्न क्यों बोलते हैं। Thank you.
this world of ticking clocks, I hope I'm getting through. क्रोएशिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं एंड इतने सारे ब्यूटीफुल बीचेस होने के बाद भी ये बहुत ही यूनिक बीच है। अभी आपने ड्रोन शॉट्स में इस बीच का यूनिक शेप तो देखा ही होगा। आइलैंड से अप्रॉक्सिमेटली 500 मीटर तक टर्कोइस ब्लू सी में ये बीच एक्सटेंड होता है एंड ड्यू टू इट्स शाइनी वाइट गोल्डन पेबल्स इट लुक्स लाइक अ गोल्डन हॉर्न फ्रॉम स्काई। नो वंडर दिस बीच हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बीच ऑफ क्रोएशिया एंड इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर क्रोएशियन टूरिज्म। रौनक को देख के आई ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड, सो मैं सोच रहा हूँ कि आई विल ऑल्सो जंप इन द वॉटर। ज़्यादा डीप नहीं है यहाँ पर शोर पर, सो मेरे को स्विमिंग नहीं आती है, बट आई थिंक यहाँ पर हो जाएगा काम। Let's do it. Okay. बीच पे आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। मैंने स्विमिंग नहीं करी है, बट बाकी तीनों ने बहुत सारी स्विमिंग करी है और एंजॉय भी करा है इस बीच को। हम लोग आए हैं ऑफ सीजन में, इसलिए इतना भीड़ नहीं है। नहीं तो अगर आप समर मंथ्स में आएंगे तो इतनी भीड़ होती है कि यू विल नॉट इवन गेट अ प्लेस हियर। बट अभी बिकॉज वी केम इन अक्टूबर, टेम्परेचर्स वर ओके एंड स्विम कर सकते थे और बीच भी बहुत ही खाली पड़ा था। अभी थोड़े बहुत लोग दिख रहे हैं, अदरवाइज तो इट वॉज ऑल एम्प्टी जब हम आए थे मॉर्निंग में। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ यू कैन प्लान योर ट्रिप टू द स्टनिंग बीच, सो डोंट वरी, वी हैव गॉट इट कवर्ड फॉर यू। इस बीच को आप एक डे या हाफ डे ट्रिप में एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग फार आइलैंड पर स्टे कर रहे थे एंड वहाँ से हमने प्राइवेट बोट किया था। फार से बहुत सारे ग्रुप टूर भी चलते हैं एंड आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्प्लिट में रहने का प्लान करते हैं तो वहाँ से भी आप बीच को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि स्प्लिट एक बड़ी सिटी है, इसलिए वहाँ से यहाँ पे पहुँचने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप प्राइवेट या ग्रुप बोट टूर तो कर ही सकते हैं एंड वो लोग इस बीच के साथ साथ आपको और भी आइलैंड्स एक्सप्लोर कराएंगे, जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में किया था। पर अगर आप और भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑप्शन देखना चाहते हैं तो स्प्लिट से ब्राक आइलैंड के लिए फेरी भी चलती है एंड आप फेरी से यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। टूरिस्टिक सीजन विच इज़ फ्रॉम मई टिल सेप्टेम्बर, फेरी की फ्रिक्वेंसी हाई होती है।
हाँ, लो सीजन जब हम आए थे तब काफी कम हो जाती है। यहाँ इस बीच पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 hours स्पेंड किए, सब कुछ पैक भी कर लिया है और अब चलते हैं इस बीच को छोड़ के एक और नई जगह। लेट्स गो। एंड थेपला खा रहे हैं हम लोग। आ गए हैं घर और लास्ट बिट ऑफ जो चीज़ें थी वो पैक करके कार में रख दी है और अब हमें आइलैंड के जस्ट ऑपोजिट साइड जाना है, विच इज़ 1.5 hours, और वहाँ से पकड़नी है फेरी। और एक्चुअली हम लोग बहुत ही टाइट शेड्यूल में चल रहे हैं, तो क्या हम वो फेरी पकड़ पाएंगे, क्या हम वहाँ पहुँच पाएंगे, वो देखते रहिए आप इस वीडियो में। एंड वी हैव टू रन। यू हैव स्पेस? या फाइनली हम लोग पहुंच गए और एक्चुअली हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट 40 मिनट्स पहले, तो कोई जल्दी नहीं थी। कार यहाँ खड़ी और हमारे आगे 1, 2, 3, 4, 5 कार्स और हैं और वो टिकट काउंटर है, तो अब जाते हैं और टिकट काउंटर से टिकट्स लेते हैं। और लंच नहीं किया है तो थोड़ा बहुत कुछ एटलीस्ट अगर खाने को मिल जाए और कुछ पीने को भी मिल जाए, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी अब डाउन हो रही है, तो कॉफ़ी वॉफ़ी या चाय कुछ मिल जाए। चाय तो मिलेगी नहीं, बट मतलब चाय मतलब डिप वाला चाय। सो लेट्स डू दैट, लेट्स बाय द टिकट। प्राइस क्या होता है टिकट का वो सब आपको बताएंगे। तो टिकट ले लिए हम लोगों ने और 140 कोनास का ये टिकट आया है, और जिसके अंदर कार और 4 passengers आ सकते हैं। हमारी कार डीजल कार है, तो मैंने यहाँ पर डीजल फ्यूल करा लिया है वापस, और 20 liters डीजल लिया है और यहाँ पर रेट चल रहा है 11 kuna फॉर 1 liter, अप्रॉक्स 1.4 euro, और रुपीज़ में होगा ये अराउंड 120-115 rupees फॉर 1 liter डीजल। चलते हैं अंदर जाके पे करते हैं। गोल्डन हॉर्न बीच को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए, एंड दैट वॉज डुब्रोवनिक। गोल्डन हॉर्न बीच से हम अपनी बोट से वापस आए येल्सा टाउन, एंड वहाँ से फार आइलैंड के दूसरे एंड पर एक पोर्ट है जिसका नाम है सुकुराज, लिख भी दिया है मैंने। वहाँ से कार फेरी करके हम लोगों ने हाईवे को ज्वाइन किया। बट अगर आप वो फेरी कैच नहीं कर पाते हैं तो आपको स्प्लिट के लिए फेरी लेनी होगी, एंड वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड हाँ डिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो हो सके तो हमारी रिकमेंडेशन रूट को फॉलो करें एंड सेव योर टाइम एंड मनी। फार आइलैंड से क्रोएशिया के मेनलैंड पर आने के बाद एक जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये है कि डुब्रोवनिक जाते जाते हम लोग एक न्यू कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, और उस कंट्री का नाम है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। यहाँ पर हमारे पासपोर्ट एंड वीज़ा चेक होते हैं, सो कीप योर डॉक्यूमेंट्स हैंडी, एंड देन व्हेन यू विल एंटर अगेन इन क्रोएशिया योर डॉक्यूमेंट्स विल बी चेक्ड अगेन। डुब्रोवनिक आते आते रात हो गई थी और हम थक भी गए थे, पर नेक्स्ट डे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले थे डुब्रोवनिक। Next video will be all about this beautiful historic town. So, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। See you in our next video. Till then, bye-bye.